हम लोग मार्केट में और अजान होने वाली है और यहाँ सारी रिफें भी लग गई हैं, वो देखें सामने मर्दों की। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे वो सिर्फ अकेली फिरना चाहती है। नूर है ना दुल्ला, वाकई में ये बहुत प्यारा ड्रेस मुझे नजर आया आयरा के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको तैयार श्यार नजर आ रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में हमें जाना है शॉपिंग करने, लेकिन ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए मैं इतना तैयार नहीं होंगी। तैयार हुई हूँ मैं कॉन्टेंट के लिए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग का कॉन्टेंट बनाया है इंस्टाग्राम के लिए। मैं भी तैयार हुई हूँ और विद्या भी तैयार हुई है और आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली, पता नहीं उसकी फील ही और है। वहाँ पे फुल रौनकें लगी होती हैं और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है, कपड़ों में, चूड़ियों में, मेहंदियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ। सा मार्केट भी है वहाँ पे, बहुत ही मज़े की जगह है। आज हम वहाँ का टूर लगाएंगे, थोड़ी सी ईदी लेंगे बच्चों के लिए भी और विरदा के लिए भी। मेरे से जो छोटे लोग हैं उनके लिए मैं ईदी ले रही हूँ, जो मेरे से बड़े उनसे मैं ईदी लूँगी। आप लोग साथ साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। एंड बिफोर यू गाइज आस्क के मेरे ये वाले बालों को क्या हुआ है, इनको लग गई है ब्लीच गलती से। मैंने एक सैलून से फेशियल करवाया था रिसेंटली और उन्होंने मेरे बाल ब्लीच कर दिए फ्रंट हेयर, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन बस कर दिए और अब मुझे खुद इतने बुरे लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ उनके ऊपर डाई लगा लूँ। आज मैंने विद्या को भी बहुत प्यारे कपड़े पहनाए हैं। इसको मैंने पहनाया है ये प्यारा सा गरारा, साथ में ये प्यारी सी शर्ट, ये इसका लास्ट ईयर का ईद का ड्रेस है। किसी भी कर दें कर दे ना दे माँ टू एवरीवन। विद्या जरा शाय हो गई है, साथ ही किसी की और साथ ही शाय हो गई है। और हमारे साथ है माँ बाबा और एक और बंदा है, वो कैमरे से पर्दा है, समझ तो आप लोग गए होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। इस टाइम रश कम है, शुक्र है, आराम से शॉपिंग हो जाएगी। यार मार्केट में हम लोग आ गए हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद भी आई हैं, हमने अभी ख़रीदी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी कंटेंट बना रहे थे। इतने ही देर में मुझे लगता है कि अफ्तारी का वक्त हो गया और मुझे लगता है आज रास्ते में ही हमारी अफ्तारी खुलेगी। मम्मा अब क्या करें, पापा के पास चलें अफ्तारी का? ये देखें जी, हम विरदा के लिए बैंगल्स ले रहे हैं। और भी चाहिए। बाबा को हमने कॉल की है और बाबा कहते हैं मैं तो चला गया हूँ, आप उन्हें अफ्तारी करनी है तो आप लोग अपनी मर्जी से करो, मैं तो जाके अपने दोस्त के पास अफ्तारी कर रहा हूँ। और हम लोग मार्केट में और अजान होने वाली है और यहाँ सारी रिफें भी लग गई हैं, वो देखें सामने मर्दों की। हम लोग कहाँ से अफ्तारी करें मम्मा, यहाँ से पहले भी कुछ भी हल्का फुल्का पकड़ के खा लेते हैं, खजूर, बाद में भी खाना खा लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें यार फाइनली हमें मिल गई है खजूर और अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये पानी की बॉटल भी हमने ली, ठंडी है, ठंडी नहीं पीनी। ओहो चेंज करा के लाते हैं। ओके बहुत आसान हो गई। ठंडी नहीं ताज़ी चाहिए, गर्म चाहिए। हाँ जी ये बार यार साइलन बज गया है और अजान होने वाली है, पानी की बॉटल मैंने ले ली है, ये ले। खजूर कैसी है अम्मा? मज़े की, अच्छी आपने नहीं खाई? खा रही हूँ। सामने ना पुलाव की देग बनी हुई है जो बांट रहे हैं, लेकिन मुझे ना ओ ये बना हमारे लिए लेके आया, इसी एक प्लेट में ये उन्होंने खुद ही हमें ऑफर कर दी। सोचा नहीं था कि कभी ऐसे भी रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा हमें, है ना अम्मा? आपने सोचा था? चले ऐसे एडवेंचर्स भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। बस एक काफ़ी है, थैंक यू। बस बताएं कैसे हैं, मज़ेदार? अच्छे, खूब चटपटे हैं, ज़बरदस्त। और अब मैं पीने लगी हूँ ठाठा क्योंकि ये अंदर जाके ठंड कर देता है। लिबर्टी में आओ और ये ना पियो, लिबर्टी आने का फ़ायदा नहीं। हमने अफ्तारी कर ली है और हमारी मार्केट जो सी है वो थोड़ी थोड़ी सी खुलने लग गई है। हमारे साथ जो ख़ास बंदा है उसको चाहिए फ्लैपर और सार शर्ट जो कि हमें मिल नहीं रही। विरदा इस प्रॉब्ली स्लीप नहीं जाग रही है। मैंने जान के लिए और आयरा के लिए कपड़े लेने हैं तो यहाँ से देखते हैं, एक शॉप नज़र आई तो है यहाँ पे। नहीं ये तो मुझे नहीं आएंगी, ये तो बहुत बड़ी होंगी मुझे।
चेक करते हैं। नहीं नहीं मेरा हाथ बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ी साइज उनको आना है। वी आर नाउ डन विद द शॉपिंग और अब गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ आपसे। मैं ड्राइव करूँ आज? क्यों मैं ड्राइव करूँगी यार? क्यों कुछ नहीं होता यार, निकल जाएगी ना प्लीज। अभी आज ही पैसे लगाए दोपहर ने, फिर ठुक जाएगी यार। मुझे पता है मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं किया आज, क्योंकि एक तो हम ऐसे और टाइम पे चले गए थे कि अजान हो गई और हम लोगों को ये तारी बाहर करनी पड़ी। यहाँ से सिर्फ हमें चूड़ियाँ मेहंदी मिल सकती थी, वो मैंने ले ली है। आज हमारे काफ़ी काम है, मेरे ताया अबू की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनसे भी हमने मुलाकात करनी है। जी नहीं जान महनूर गाड़ी ड्राइव कर रही है, अल्लाह खैर ही करे। आप मेरे पास डायलॉग बोल रही है जो मैं रूप को बोलती थी। नूर का एक मसला है, गाड़ी चलाती है ना, वो पता क्या कहती है, सुनिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। वो सिर्फ अकेली फिरना चाहती है। महनूर को इशारे पे भी बताना पड़ता है कि बेटा रोक दो, क्योंकि महनूर का फोकस सिर्फ स्टीयरिंग पे। वो कहती कि इशारे क्यों हैं, यानी मुझे उन्होंने रोक दिया, मेरी स्पीड को तोड़ दिया, मेरा जो मोशन अरूप ने हमारे जैसे डिस्करेजिंग लोगों के साथ ही सीखा था बेटा। जी नहीं, उसने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी, और माँ अकेले ड्राइव करती थी, साथ साथ उसको सिखाता था। अब हम लोग आए हैं फ्लावर शॉप पे, क्योंकि हम लोगों ने जाना है अब अपने अबू जी से मिलने। हम लोग जा रहे हैं उनके तीमारदारी के लिए, और यहाँ से मैं लेने आई हूँ बुके, कोई अच्छा सा बुके पकड़ते हैं। ये फ्लावर शॉप है सामने, येलो वाले अच्छे लग रहे हैं, इसमें फ्लावर वाइट लगा देते हैं। तैयार हो गया है, फ्रेश फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम लोग आए हैं फ्रूट्स की शॉप पे कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, और मैंने अभी अभी नोटिस किया है कि मेरा जो एक एयरिंग है वो मार्केट में ही कहीं उतर के गिर गया है, और एक अभी भी वहीं है। क्या करें, क्या वापस आ गए हैं, जिनको हमने इतना हेल्दी वेल्दी और इस तरह से देखा है, और अब उनको हम इस तरह से बीमार देख, बहुत बहुत दुख हो रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ प्लीज़ उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। कि मैं इस रमज़ान के महीने में स्पेशली अबू जी हमारे लिए, दादी भी हैं, दादा भी हैं, नानी भी हैं, नाना भी हैं, क्योंकि अब हमारे पास इन रिश्तों में कोई भी नहीं है, तो हमारी फैमिली के सबसे बड़े अब वही हैं हमारे लिए। प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआ करें प्लीज़। मॉल में चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि बच्चों की क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। मॉल में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन एक्सट्रीमली क्राउडेड यार। आज मॉल में जितना रश है ना, मुझे ऐसा लगे जैसे कोई सेल लगी हुई है। लेकिन अगर लगी भी हुई है तो दैट्स गुड फॉर अस। ये मेरे सब क्यूट क्यूट लिटिल फैंस आए हैं मुझसे मिलने के लिए। व्लॉग्स देखते हो जी? इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते? वहाँ पे भी करते हो? चलो दैट्स नाइस। और आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, मेरे भाई का नाम है अब्दुल्ला। और आपका माँ नूर तो नहीं है? नूर, डोंट टेल मी नूर है ना अब्दुल्ला? वाकई में अब्दुल्ला, हमारे ट्विंस मिल गए यहाँ पे। थैंक यू। तो यार ये बच्चों की शॉप पे हम लोग आ गए हैं कपड़े देखने के लिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगी है ना मुझे, वो लग रहे हैं ये वाले बैग, इतने क्यूट है यार ये। ये देखें इतना प्यारा, ये मैंने बिरता को भी पकड़ाया और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। वो देखें उसी के साथ मसरूफ हो गई है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं चाह रही हूँ कि कोई ईस्टर्न ड्रेस में कोई चीज़ लेकर दूँ, लेकिन यहाँ सब वेस्टर्न में हैं, फ्रॉक्स हैं, कुछ गरारा शरारा ईद पर अच्छा लगता है यार बच्चियों को, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा यार। एक बहुत प्यारा ड्रेस मुझे नज़र आया आयरा के लिए, एंड इट इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू ईद। और कलर भी बहुत प्यारा है उसका, इतना क्यूट सा दुपट्टा है पीछे, ये दुपट्टा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये कपड़े ज़्यादा पहने नहीं जाते, इस टाइप के कपड़े फिर ज़्यादा पहने जाते हैं। ये प्यारा लग रहा है यार, है ना, कलर भी कितना प्यारा है। ये मेरे अजान बेबी के लिए हैं कपड़े। हाँ नहीं यार, बहुत बहुत वो हैं, ये बड़ा नहीं लग रहा साइज अजान का, बड़ा है यार, न्यू बॉर्न का तो नहीं है, बड़ा लग रहा है, एक भी प्यार लग रहा है वैसे। जो कपड़े हमें पसंद आ रहे हैं उनमें साइजेस अवेलेबल नहीं है,
हम लोग शॉपिंग से फ्री हो के अब गाड़ी में आ चुके हैं और घर की तरफ रवान दवा हैं। शॉपिंग से ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि आज खज्जर और खवारी का दिन था, क्योंकि हम इतनी जगहों पे फिरे हैं लेकिन हमने लिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं है। तो ईदी के लिए जब आपको कुछ नहीं मिलता ना तो फिर एक ही चीज़ चलती है, तो फिर चलता है एनवेलप, तो हम उसी से काम चलाएंगे इस ईद पे। हम लोग घर पहुँच चुके हैं फाइनली, बहुत थक गए यार, आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम लोग घर आ गए और सुबह सोए हुए और मिदन को उठा रही है। वेक हम आप बाबा Wake up, Baba. Wake up. Baba kishi kar de, Baba kishi. Baba kishi kar de. Hi. मैंने आपको इतना miss करी थी सुबह. लेकिन आप ही क्यों उठ नहीं रहे? क्या कह रहे हो? विदा को लग रहा है कि हर मैट के ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा ओके ओके मैं नहीं देखी। आप अल्लाह कर। और मेरी पिक्चर पड़ी हुई है नीचे, उसने उसको जाय नमाज बना के तो उसके ऊपर सजदा कर रही है और साथ किसेस भी कर रही है। ये नीचे मेरी पिक्चर है, उसके ऊपर बैठी हुई, देखें। अल्लाह अकबर किया था आपने? अल्लाह अकबर ऐसे किया था? चले फिर पढ़ लें जल्दी से। अल्लाह ऐसे, अल्लाह अकबर ऐसे भी कर ले। अल्लाह मोहब्बत भी करी है।